चैनल दोस्तों आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्ञात करना। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे ज्ञात कैसे किया जाता है वो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों पे हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पहले इसमें कितना है, 10 मीटर। तो आपको पता होगा कि जो आपका मापा जाता है, जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कि इसके जब इसके थ्योरी क्लास थी उसमें बताया था कि हमेशा ओम सेंटीमीटर में मापा जाता है, अधिकतर माइक्रो ओम में। ठीक है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर में। तो उसके लिए जब सेंटीमीटर में नापा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी यूनिट भी आपके सेंटीमीटर में हो। देखा, यदि 10 मीटर लंबी यूरेका तार का डायामीटर 0.14 सेंटीमीटर है हो तो उसकी रेजिस्टेंस 2.5 ओम है, तत्व का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्ञात करिए, तत्व का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले 10 मीटर एल बराबर क्या होगा आपका 10 मीटर होगा। जब सेंटीमीटर में बदलना है तो गुणा करेंगे हम किससे, 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर, आपका कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी थोड़ा सूख जाए, थोड़ा गीला लग रहा है। ठीक है, उसके बाद L के बाद आपका फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर हो जाएगा आरए बटे L। ठीक है, तो प्रतिरोध R का हमारा निकालना, R हमारा कहां है, R हमारा ये है, R रहेगा 2.5 ओम। लेकिन आपको पता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को माइक्रो में मापा जाता है। जब माइक्रो में मापा, माइक्रो ओम सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो इसका मतलब इसके साथ कितना जुड़ जाएगा, 2.5 × 10^6 और माइक्रो ओम में है तो आप देखिए माइक्रो सेंटीमीटर, ओम माइक्रो ओम सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे ये माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, जहां माइक्रो लगता है इसका मतलब 10^-6। ठीक, इसका 10^-6 10 के +6 कट कट के क्या हो जाएंगे, 2.5 ओम हो जाएंगे, समझ में आ गया, और कट पीट के दोनों बराबर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अब आगे क्या है कि आगे क्या बचा आपका, ए बना एरिया। तो यहाँ पे एरिया में डायमीटर आपका दे दिया 1.4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर दे दिया है, तो डायमीटर से एरिया मिलाने के लिए सूत्र क्या होता है, होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बटे 4 × 4, यही आपका होता है डायमीटर का सूत्र। ठीक है, चलिए इसमें तब्दील करते हैं, तो ए हमारा ए कितना दिया 14, डी कितना 14 दिया है, तो निकालेंगे तो हो जाएगा 22, पाई का मान 22/7, नीचे ऑलरेडी 4 है, ये 4 कूद के ऊपर जाएगा तो 7 के बगल में उठ जाएगा, बग चला जाएगा, डी स्क्वायर का मतलब हो गया 14 ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी बात लिख देंगे, ये 14 है, समझ लीजिए 14 है, 14 पे स्क्वायर यानी डी का मान 22/7 और ये 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस फार्मूले में इसको क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं। ठीक है, फार्मूले में पुट करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा R इंटू, अब इसको पुट करते हैं। ठीक है, पुट करते हैं तो रो का मान तो निकालना है। ठीक है, R R का मान देखिए यहाँ पे लिखा गया है, R का मान रखते हैं, R का मान है 2.5 × 10^6, ये 10^6 कहां से आया मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, फिर देख लीजिएगा, तो 2.5 × 10^6 गुणे ए का मान, ए का मान देखिए 22.14 × 14/7। ठीक है, रखते हैं तो 22 × 10^14 × 7 × 4 एल का मान रखेंगे इसके नीचे तो ये हो जाएगा 1000। लेकिन ये 1000 यहाँ जब ये ऊपर उठ के जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने अपने विधि जिस तरह चाहिए उस तरह आप काटिए, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि यही तरीका से काटेंगे,
तो ये देखिए 10 पे पावर 6 है ना, पहले इन दशमलव को हम रिमूव करेंगे और इसको भी हटाएंगे, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4 हो जाएगा, 4 एक 5, यानी 5 अंक यहाँ से गायब हो जाएंगे दशमलव से, यानी इसमें से 5 जीरो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 25 गुणे 10 गुणे 22 गुणे 14 गुणे 14 बटे 7 इंटू 4 गुणे है आपका 1000। ठीक है, तो अपने अपने विधि काटते हैं। चलिए, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और इससे दो से ये खत्म हो गया, 11 गुना 22 हो गया। अब इस 2 और 7 से 1 14 खत्म, ठीक है। अब क्या करते हैं, 25 गुणे 11 गुणे 14 गुणे और 100। हमने इसको नीचे से उतार लिया, कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, कि कहां से कहां काटे खत्म। तो 25 चौका 100 हो गया, यहां आ गया 4। अब इस 4 को आप 2 से काट दीजिए, इसे काट दीजिए 7 से, तो अब हो जाएगा आपका 1177 बटे 2। तो इसको जब आप काटेंगे तो आपका हो जाएगा 38.5 ओ माइक्रो सेंटीमीटर, आपका यही आपका आंसर आएगा, ठीक है, माइक्रो, ये आपका यहाँ माइक्रो रहेगा, माइक्रो ऐसे लिखते हैं, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, आपका यही उत्तर बन के आएगा। ठीक है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।